खाना लेने जाना है। हम लोग खाना लेने जा रहे हैं रमजान भाई के साथ। हमारे रमजान भाई रियाद से आए हैं कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे हमारे आजकल पिकनिक चल रहा है, पूरा पिकनिक की तरह। पिकनिक नहीं है, बस हंसी मजाक के लिए हम लोग कोई पिकनिक बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सऊदी पे अभी ज़्यादा बारिश हो रहे हैं, तो बारिशों में कोई काम धंधा नहीं है। मेरे को कभी कभार रहता थोड़ा मोड़ा, बाकी तो बस पिकनिक की तरह है। तो आप देख सकते हो, आप सभी भाइयों को सलाम, बहनों को सलाम, ये यादगार रहेगी। हमारा भाई सिंधी भाई है, पाकिस्तान से है। तो ये मैं यूट्यूब में अपलोड करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी तो किसी को पता नहीं, आज है कल नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो भी मीडिया सोशल मीडिया पे चली जाएगी तो यादगार रहेगी। आज एक हफ्ते के बाद ये धूप लगे सऊदी अरब में, रोटी लेके आ चुके हैं। रोटी हमारा आज सऊदी अरब में एक हफ्ता पछाड़ी घाम इसी लगे नत्र यहाँ झरी पड़े। यहाँ पे सऊदी अरब में पहली बार इतने साल बैठने के बाद पता चला कि इतने सारे बारिश भी होती हैं। तो एक हफ्ते के बाद आज धूप देखने को मिला है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बकरे का गोश्त छोटे से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और ये पूरी बकरे हमारा भाई लोगों ने लेके आया था, तो हम लोग इसको छोटे छोटे करके पन्नी में डाल के फ्रिज में डालेंगे। तो कभी भी आप बना के अच्छे से सालन बना के खा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे मेरा चेहरे इससे आगे वाला क्लिप पे, तो मैं बकरे का गोश्त आजकल थोड़ा रोका हूँ, क्योंकि मैं एक मरीज़ हूँ, अभी बीमार हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ। तो दिखाते हैं यहाँ आगे हम लोग ने जो भाई लोगों ने रेडी किया है मटन करी, और ये करी आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ में भी। हम लोग पहाड़ी वाले नेपाली लोग कम से कम शायद 2% लोग रोटी खाते होंगे, 98% तो हम लोग पहाड़ी लोग जो ईस्ट इलाके के लोग खाते नहीं है रोटी। तो हमने भी यहाँ पर रोटी खाने सीखे हैं, लॉकडाउन में सीखे थे, उसके बाद अभी थोड़े मड़े भाइयों के साथ रोटी खा रहे हैं, नहीं तो रोटी तो बस यहीं पे आके देखे हैं। हमारे में हमेशा चावल सुबह शाम दो टाइम तो चावल बनना ही बनना है। नाश्ते में तो मैगी नूडल्स जो भी ये अगरा बगरा भुट्टा वुट्टा ये सो चलता है।